दोस्तों, अब मैं मिल रही हूँ आपको काम खत्म करने के बाद रात को। टाइम क्या हो रहा है ना, 7:30 का, और हम जा रहे हैं घूमने। तो आज जल्दबाजी में अन्नू से मिलवा रही हूँ। अन्नू से हेलो। और वहाँ पर बच्चे हैं, तैयार हो के हम सब घर से निकल गए हैं। बस लाइट वगैरह लगा देते हैं, जा तो रही हूँ अच्छी जगह, बाकी देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। अन्नू ने शायद पहले देखा, और ये इतने सारे कपड़ों का जो ढेर लग रहा है ना, आके तय करूँगी। 7:30 तो हो गए, पता नहीं कितने बजे आना होगा। अरे बाप रे, वॉच कहाँ है मेरी। चलिए मैं मिलती हूँ मैं अब आपसे बाहर। ब्लॉग जरा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और नहीं लगे तो भी कर देना। चलिए मिल गई मेरी वॉच, पहन देती हूँ, फटाफट निकलती हूँ मैं। दोस्तों, मैं और हन्नी जो हैं यहाँ पर खड़े हैं, और अन्नू गए हैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाने। तो बस इतनी देर वो आएंगे, मैंने सोचा इतनी देर मैं आपको बता दूँ। और बिल्कुल सिंपल तैयार होकर आई हूँ, क्योंकि गर्मी ताड़म तोड़ पड़ रही है। बस पोनी टेल बना लिया और सिंपल ही तैयार होकर आ गई। हेलो दोस्तों, ये है पार्क की शुरुआत यहाँ से। तो आप नाम पढ़ सकते हैं, हम आए हैं भारत दर्शन पार्क में। और यहाँ पे आपको 21 जो है तरह की वैरायटी देखने को मिलेगी। 21 जगह मैं आपको दिखाऊंगी, नई और पुरानी। तो यहाँ पे पहले टिकट लेते हैं, एक टिकट 150 रुपये की है। हम लोग पहुँच गए हैं पार्क, और मैं आपको दिखा दिया हम कौन से पार्क पहुँचे हैं। और हम सोच रहे थे अब ये बंद हो जाएगा, क्योंकि हम आते आते लेट हो गए, 8 बज गए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये पार्क जो है 10 बजे तक खुला रहता है। तो आप लोग तसल्ली से देखेगा, स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए तसल्ली से देखना। तो दोस्तों, अब हमने पार्क के अंदर की एंट्री कर लिया, और कुछ इस तरीके का। अच्छा, ये जो आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही है ना, ये जैसे कोई बुज़ुर्ग लोग है, या फिर कोई जैसे गाड़ियों से सैर करना चाहता है पूरे पार्क की, तो गाड़ी भी कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा। सबसे पहले शायद 4 मीनार है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसके अंदर आप देखते जाइए, एक भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, वरना सच में आपको कुछ समझ नहीं आने का। हाँ, आपको लाइटिंग की प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो वो एक सिर्फ लाइट का ही नहीं, बल्कि इस पूरे दृश्य का नज़ारा देखने आते हैं। और लाइटिंग की बस ऐसे ही नहीं कि हर तरीके की लाइट मिलेगी, बस ब्राइटनेस वाली लाइट आपको शायद नहीं दिख रही होगी। दोस्तों, ये देखिए, ये है हवा महल, जो कि आपको शायद जयपुर पता नहीं कहाँ पर है, पर देखिए हमारे दिल्ली में भी है। और कितना खूबसूरत है, अभी तो वाइट लाइट है, लेकिन अभी इस पर ना दूसरे कलर की लाइट जब ऑन होगी, ये देखिए, बस यहाँ पे एक ही चीज़ है, मच्छर बहुत सारे हैं। आ जाओ, सारे मच्छर बहुत बहुत सारे हैं। तो ये था हवा महल। आपको जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें लगेंगी ना, उसके बारे में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे सच में। ये है बड़ा गुंबद, गोल गुंबद, वेरी वेरी नाइस, सीरियसली बहुत सुंदर है। तो दोस्तों, ये है दिल्ली का सबसे मशहूर जो है कुतुब मीनार। और ये सारी चीज़ें मैं आपको जितनी भी दिखा रही हूँ ना, शुरू से लेके एंड तक, ये सब लोहे की है। और लोहा ऐसा वैसा नहीं, जो हम लोग वेस्ट लोहा बोलते हैं ना, जो कबाड़ियों के पास लोहा होता है, ये वेस्टेज लोहे का ये सब कुछ बना हुआ है। केवल ये जो वुडन की सीट वगैरह है, इनको हटा के बाकी जितने भी आइटम्स आपको दिखा रही हूँ ना मैं, ये सब वेस्टेज लोहे की बनी हुई है। दोस्तों, ये लोग जो है थक गए हैं, और यहाँ पे होगा इनका फोटो सेशन, आराम कर रहे हैं, बहुत घूम लिए, कुतुब मीनार, बड़ा गुंबद, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब ये लोग आराम कर रहे हैं, या थोड़ा फोटो सेशन होगा अब। तो दोस्तों, ये है नरेंद्र कुछ यूनिवर्सिटी, नरेंद्र यूनिवर्सिटी, बट बहुत प्यारी है, छोटी सी है बट बहुत बहुत प्यारी। आई डोंट नो कैमरे पे कितनी आ रही है, बट इतनी है जितनी भी आ रही है, पर है बहुत खूबसूरत, सीरियसली। यहाँ पे मज़ा ही जो है वो रात का है गाइस। तो दोस्तों, ये जो सीटिंग दिया हुआ है, ये बैठने का सीटिंग एरिया दिया हुआ है। जैसे चल चल के आप थक गए तो थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो है हनी बनी फोटो सेशन करवा रहे हैं। ये एक शेर बना हुआ है, लॉयन, और ये ना घास का बना हुआ है।
तो दोस्तों ये है मीनाक्षी मंदिर, और ये जितने भी मंदिर बने हुए हैं ना, मैं बार बार ही बोल रही हूँ, ये वेस्टेज लोहे से बने हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा कारीगरी कितनी खूबसूरत करी हुई है। और ये सारे जो मतलब अब नए बना दिए गए ना, ये नए नहीं है, जितने ओल्ड बने हुए थे ना मंदिर, जो हम लोगों ने देखे नहीं थे, हमारे पूर्वजों ने देखे हुए थे, हमारे पापा दादा इन्होंने देखे हुए थे, वो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो कृपया ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ स्किप ना करें। मैंने घंटा बजा दिया, उधम मचाते हुए भी तो घूमना चाहिए, बहुत देर से सीरियस घूम रहे हैं, तो अब थोड़ा सा उधम में मचा दिया मैंने, सबको मजा आ गया क्योंकि घंटा मैंने बजाया। तो दोस्तों ये है बद्रीनाथ मंदिर, और यहाँ से ना सारे मंदिर शुरू होते हैं, वो भी न्यू वाले नहीं। ये देखिए बद्रीनाथ मंदिर नया वाला इस तरीके का है, और पुराने वाला इस तरीके का। तो पुराने वाला ही आपको सामने सेम टू सेम दर्शाया गया है, और बिल्कुल वैसा बनाया गया है जैसा हमारा प्राचीन पुराने मंदिर हुआ करते थे, जो हमने नहीं देखे हैं, सेम वही दिखेगा। अच्छा, ये है बद्रीनाथ मंदिर। आज की वीडियो में आपको मेरी रियल वॉइस सुनाई देगी, वॉइस ओवर मैंने बहुत ही कम जगहों पे की है जहाँ करने की जरूरत। द्वारकाधीश मंदिर, ये पुराना है जिसकी मूर्त यहाँ बनी है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत बना रखा है भारत दर्शन पार्क, जिसे ना जाने कहां कहां से लोग इसे देखने आए थे। आपको अंधेरे की वजह से लोग नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन सीरियसली लोग बहुत सारे आए थे। आप मेरे आजू बाजू किसी किसी को फोटो सेशन करते हुए भी देख पा रहे होंगे, और आगे भी बहुत सारे लोगों को देखेंगे। रामेश्वरम मंदिर, और इसका पुराना जो बना हुआ था वो कुछ ऐसा था, बिल्कुल जो ओल्ड बने हुए मंदिर थे वो यहाँ पे रियल दर्शा रखे हैं, और बहुत ही प्यारे दर्शा रखे हैं सच में। ये है जगन्नाथ पुरी मंदिर, चार धाम में से एक धाम, और नया वर्जन इस तरीके से बना है, मतलब नया मंदिर ऐसा है तो पुराना मंदिर ऐसा है, तो सेम ये यहाँ पर सेम जो भी पुराने मंदिर है वो यहाँ पे बनाए गए हैं, बहुत सुंदर है। ये है और ये है पुराना, तो पुराना जो बना रखा है ऐसा, वो आप देख सकते हैं सेम टू सेम बना रखा है, पूरी कलाकारी दिखा रखी है इन्होंने अच्छे से। तो दोस्तों मैं बीच बीच में आपको पूरा पार्क भी दिखाती जा रही हूँ, और कितनी सारी लाइटिंग है, इसको देख के आपका मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होगा। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बस एक ही चीज़ से बार बार ही आपको बता रही हूँ, बस ये मच्छर हैं और कुछ भी नहीं है। ये प्यारी आवाज़ आ रही ना, तो प्यारा पेड़ है। ये है नया विक्टोरिया पैलेस, और ये है पुराना, और इसी के ही आधार पे ये बना रखा है विक्टोरिया पैलेस। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताज महल। पानी दे।
बहुत बहुत खूबसूरत है वाकई में। दूर पैलेस ओल्ड ये वाला है, न्यू ये वाला बना हुआ। माय गॉड कितना फर्क है दोनों में। चार मीनार और ये न्यू ऐसा है और ये पुराना ऐसा था, तो इसका मैं रियल दिखाऊं। देख सकते हैं अब आप, ये है चार मीनार। देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आलीशान लग रहा है सच में। कोणार्क मंदिर लोरा। तो दोस्तों लोगों को आपने ठोकते पीटते हुए देखा होगा, वो चेक कर रहे थे कि ये चीज़ लोहे की है या नहीं है। पर ये जितने भी आपको मैंने मंदिर अभी तक दिखाए, जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं ना, ये सब लोहे का था। केवल पेड़ और जो बैठने की सीटिंग एरिया थी ना, केवल उसको छोड़ के वो लकड़ी का था या माटी का था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वेस्टेज लोहे की बनी हुई थी। और ये प्यारी सी डॉल है जिसको वेस्टेज लोहे से बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पिक्स भी खिंचवाई हैं, वीडियोस भी बनवाई है। और मैं बोल रही थी मेरी प्यारी सी बहन है, तो आप लोग में से कौन कौन यहाँ पर आके गया हुआ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलती हूँ घर पहुँच के 10 बजे का। और अन्नू गए हैं आटा लेने, एक्चुअली हमें याद था कि आटा लाना है लेकिन हम भूल गए। फिर अन्नू वापस से गए हैं, नीचे से नीचे हम लोगों को छोड़ के वो चले गए आटा लेने, और हम लोग ऊपर आ गए हैं। इतने में करती हूँ कपड़े वगैरह चेंज, इतने में आटा लाएंगे और हाँ सब्जी बनी भी लाएंगे। तो यहीं पे ही लेती हूँ आपसे प्यार भरी अलविदा। अगर ये ब्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय माता दी, शब्बा खैर, बाय।